कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा लगाए गए आंशिक नाइट कर्फ्यू का असर बुधवार को भी देखने को मिला। महानगर के विभिन्न चौराहों पर एवं सड़कों पर लोगों का आवागमन जारी रहा, जिसमें आरटीओ तिराहा सिविल लाइन, डीएम आवास रोड, अंबेडकर चौक, कचहरी, बस स्टेशन रोड, छात्र संघ चौराहा और जिला पंचायत रोड सहित अन्य क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के पालन के लिए अलग अलग बैरियर लगाए गए हैं और वहां पर ऐप द्वारा बैरियर चेकिंग और ड्यूटी चेक किया जा रहा है। एसपी सिटी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूमता मिलता है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद बेवजह घर से बाहर ना निकले, अगर बहुत ही जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले तथा नाइट कर्फ्यू के नियमों का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ठीक है। नाइट कर्फ्यू के लिए हमने अलग अलग जगह बैरियर लगाए हैं और वहाँ पे बैरियर चेकिंग ऐप के द्वारा हम लोग सभी की ड्यूटियाँ चेक कर रहे हैं कि कौन कौन वहाँ चेकिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो भी व्यक्ति है वहाँ, उसका कोरोना स्टेटस पूछा जाता है, उसकी फ़ोटो ली जाती है और उसके बाद जो है उसके बारे में जो भी जानकारी है वो की जाती है। अगर वो अनावश्यक रूप से जा रहा है तो उस पर विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। जनता से यही अनुरोध है मेरा कि बेवजह बाहर ना निकले और बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, नाइट कर्फ्यू के नियमों का पालन करें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग भी करते रहें।